क्षेत्र में आगामी 4 दिनों तक शादियों की धूम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन भी कोविड को लेकर कोई भी ढील नहीं देना चाहता है। जिला प्रशासन व सरकार ने तहसीलदार की अगुवाई में टीमों का गठन किया है, जो कि शादी समारोह में पहुंचकर अचानक दबिश दे रहे हैं व कोविड नियमों को जांचा जा रहा है। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार गलोड़ राधिका ने गलोड़ क्षेत्र में कई जगह चल रही शादियों में अचानक पहुंचकर दबिश दी। स्त्रीडी गांव में चल रही शादी समारोह में आए हुए अतिथियों को धाम बनाने वाले रसोईया को बुलाया गया व उनकी कोरोना की रिपोर्ट मांगी गई। तभी तुरंत रसोईया ने अपने बैग से 2 दिन पहले करवाए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को दिखाया, जिसमें वे नेगेटिव पाए गए थे। नायब तहसीलदार ने लड़की की शादी समारोह में आए हुए मेहमानों व परिजनों को भी कोविड नियमों की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमें नियमों का पालन करना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इस मौके पर नायब तहसीलदार के साथ पटवारी सुरेश शर्मा, पंचायत सचिव कुलदीप चौहान, तकनीकी सहायक विजेंद्र कुमार, कानून को गलोड़ भी इस टीम में शामिल रहे। इस मामले पर नायब तहसीलदार गलोड़ राधिका ने बताया कि सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से मिले निर्देशों के तहत जहां कहीं भी गलोड़ क्षेत्र में शादी समारोह या अन्य आयोजन हो रहे हैं, वहां पर वे अपनी पूरी टीम सहित अचानक पहुंच रहे हैं, ताकि लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी शादी समारोह में इन नियमों की पालना न करते हुए पाया जाता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि कोरोना को हराया जा सके।